हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टुडे सेशन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। डियर फ्रेंड्स, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के सीरीज में आज हम सभी पढ़ने वाले हैं द एंग्लो सैक्सन पीरियड। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंग्लो सैक्सन पीरियड का टाइम 450 से 1066 तक का टाइम माना जाता है। इस एज को द ओल्ड इंग्लिश पीरियड के नाम से पुकारा गया है। किस नाम से पुकारा गया है? द ओल्ड इंग्लिश पीरियड। 450 में इंग्लैंड पर, जिसको ब्रिटेन कहा गया है, जर्मन के 3 ट्राइब्स ने इन पर अटैक किया और इंग्लैंड को जीत लिया। तो इस तरह से 450 से शुरू होता है एंग्लो सैक्सन एज। जैसा कि आप लोग यहां देख सकते हैं कि 450 के आसपास इंग्लैंड यानी ब्रिटेन में कई छोटे छोटे ट्राइब्स थी जो शासन कर रही थी, और 450 के आसपास जर्मन की 3 ट्राइब्स, ज्यूट्स, एंजल्स एंड सैक्सन, इन 3 ट्राइब्स ने इंग्लैंड पर अटैक किया और इंग्लैंड पर विजय प्राप्त कर ली। और इस तरह से अब इंग्लैंड पर इन 3 ट्राइब्स का शासन चलने लगा, और ये ट्राइब्स धीरे धीरे इंग्लैंड में रहने लगते हैं, और इन लोगों ने अपना जो प्लेस बनाया यानी रहने का स्थान, नया घर भी ये लोग बनाते हैं। और ज़्यादातर ये लोग लड़ाकू हुआ करते थे, और जितने भी अदर ट्राइब्स इंग्लैंड पर अटैक करते थे तो इन पे ये लोग विजय प्राप्त कर लेते थे, यानी इनको भी ये लोग हरा देते थे, डिफीटेड कर देते थे। और आगे चल करके इन्हीं ट्राइब्स ने अपने आप को एक नाम दिया। जैसे सर्वप्रथम इन ट्राइब्स ने अपने आप को नाम दिया एंग्ला लोंड, फिर इसके बाद एंग्ली लोंड, और फाइनली इंग्लैंड नाम दे दिया। तो इस प्रकार से इंग्लैंड नाम कैसे पड़ा? तो सबसे पहले एंग्ला लोंड, फिर इसके बाद एंग्ली लोन, फिर इसके बाद इंग्लैंड नाम पड़ा। और एंग्लो सैक्सन नाम किसके द्वारा दिया गया? यानी द ओल्ड इंग्लिश पीरियड को एंग्लो सैक्सन नाम देने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन थे, जिनका नाम था विलियम कैमडेन। विलियम कैमडेन ने अपनी बुक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले एंग्लो सैक्सन शब्द यूज किया। किसके लिए यूज किया था? तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड के लिए। तो इस प्रकार से पूछा जाए कि नेशनल सेंस में एंग्लो सैक्सन के नाम को किसने दिया? तो विलियम कैमडेन ने दिया। तो आइए सबसे पहले द ओल्ड इंग्लिश पीरियड के कुछ फैक्ट्स को समझते हैं। जैसे ओरिजिनली द नेम एंग्लो सैक्सन डिनोट्स 2 ऑफ द 3 जर्मेनिक ट्राइब्स ज्यूट्स एंजल्स एंड सैक्सन। कहने का सेंस ये है कि 450 के आसपास इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन पर जर्मन की 3 ट्राइब्स, कौन कौन सी 3 ट्राइब्स? ज्यूट्स, एंजल एंड सैक्सन, इन 3 ट्राइब्स ने 450 में इंग्लैंड पर अटैक किया, और इंग्लैंड पर अटैक करने के बाद इंग्लैंड पर इन्होंने विजय प्राप्त की, और विजय प्राप्त करने के बाद ये लोग इंग्लैंड में रहने लगते हैं। तो इस तरह से इंग्लैंड को जीतने वाले सबसे पहले कौन कौन सी प्रजातियां थी?
तो ज्यूट्स, एंजल एंड सैक्सन। अगर एक प्रश्न किया जाए कि सबसे पहले कौन सी ट्राइब्स ने ब्रिटेन पर अटैक किया, तो आएगा नाम ज्यूट्स, उसके बाद एंजल एंड सैक्सन। और बात करें द नेम सैक्सन केम फ्रॉम सी एक्स, अगर बात किया जाए कि सैक्सन नाम कैसे पड़ा, तो सैक्सन नाम सी एक्स से लिया गया है और सी एक्स को ही शॉर्ट में सैक्स कहकर संबोधित किया गया है। और यूपी के पीजीटी एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैक्सन, सैक्सन का मतलब क्या होता है, तो द मीनिंग ऑफ सैक्सन द स्वॉर्ड्समैन, यानी क्या कहकर संबोधित किया गया है सैक्सन को, तो द स्वॉर्ड्समैन यानी तलवार का आदमी। और ये लोग धीरे धीरे इंग्लैंड में जब रहने लगते हैं तो इन लोगों ने अपने आप को एंजल कहकर संबोधित करने लगे, यानी दे आर कॉल्ड देमसेल्व्स एज एन एंजल, इन प्रजातियों ने, इन ट्राइब्स ने अपने आप को एंजल कहकर संबोधित करने लगे। इसके बाद दे गॉट मेनी विक्ट्रीज ओवर अदर ट्राइब्स, अन्य ट्राइब्स पर ये लोग विजय भी प्राप्त करते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। आगे चल के फाइनली दे मेड न्यू होम्स, इन लोगों ने नए घर बनाना प्रारंभ किया, एंड कॉल्ड देमसेल्व्स, और अपने आप को ये लोग एंग्ला लोन कहकर संबोधित करने लगी, यानी ये लोग एंग्ला लोन के नाम से पुकारे जाने लगे, देन एंग्ली लोन, इसके बाद ये लोग एंग्ली लोन के नाम से जाने गए, और फाइनली आज ये लोग किस नाम से पुकारे गए हैं, या कहाँ के ये लोग, या इनका नेटिव प्लेस क्या था माना जाने लगा, तो इंग्लैंड, यानी इन्हीं लोगों का नेटिव प्लेस अब बन गया है इंग्लैंड। तो इस प्रकार से ओल्ड इंग्लिश पीरियड के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अब आइए देखते हैं कि इस समय का जो लिटरेचर था किस प्रकार का लिटरेचर था। तो एंग्लो सैक्सन पीरियड का जो लिटरेचर था जनरली दो भागों में डिवाइड था, या कहा जा सकता है उसके दो प्रकार के सब्जेक्ट हुआ करते थे, या अगर पूछा जाए कि इस समय के लिटरेरी पर्सन कैसा वर्क लिखा करते थे, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस समय के जो लिटरेरी पर्सन थे, यानी जो राइटिंग करने का काम करते थे, वह लोग थे पैगन। पैगन किसको कहा गया है, यानी हु वाज पैगन, पैगन कौन थे, तो पैगन एक ऐसे लिटरेरी पर्सन थे जो अपने वर्क को ओरल फॉर्म में लोगों के सामने प्रेजेंट करते थे। किस फॉर्म में करते थे, ओरल फॉर्म में, या फिर ओरल सागास के रूप में प्रेजेंट करते थे। और इनका जो थीम हुआ करता था वो बहुत ही कॉमन होता था, लेकिन जो क्रिश्चियन थे इनका जो फॉर्म हुआ करता था ओरल ना हो करके रिटेन हुआ करता था। तो ये लोग ज्यादातर जो उस समय के मोंग थे, यानी जो उपदेश देने वाले महत्वपूर्ण मठ के पर्सन थे, उनके ज्ञान को, उनके नॉलेज को, उनके उपदेश यानी टीचिंग को ये लोग लिख करके यानी रिटेन फॉर्म में लोगों के सामने प्रेजेंट करते थे। कहने का सेंस ये है कि पैगन लोग ग्रामीण लाइफ को गा गा करके पोएट्री फॉर्म में सुनाया करते थे, जबकि क्रिश्चियन लोग मोंग के उपदेश को रिटेन फॉर्म में लोगों के सामने प्रेजेंट करते थे। तो इस प्रकार से इन दोनों में बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है, पैगन ओरल फॉर्म में, क्रिश्चियन रिटेन फॉर्म में। पैगन थे, इनका जो लोगों के सामने प्रेजेंट करने का फॉर्म हुआ करता था,
यानी वह ओरल फॉर्म हुआ करता था, जबकि क्रिश्चियन का रिटेन होता था। पैगन लोग ज़्यादातर पोएट्री लिखा करते थे और क्रिश्चियन लोग ज़्यादातर पोएट्री और प्रोज दोनों में लिखा करते थे। तो ये दोनों में महत्वपूर्ण अंतर है। तो अब आइए हम लोग समझते हैं कुछ और इस समय के फैक्ट्स। जैसा कि जब इंग्लैंड पर अन्य ट्राइब्स ने लैंडिंग करना प्रारंभ किया तो कौन कौन से लोग आए इंग्लैंड पर लैंड किए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण लैंडिंग ऑफ हेंगिस्ट एंड होरसा। जो हेंगिस्ट थे और होरसा थे, इन लोगों ने इंग्लैंड पर लैंड किया। और इसके बाद साउथ सैक्सन के लोग भी आए, और फाइनली अगस्ताइन लोग भी इंग्लैंड पर लैंडिंग करना प्रारंभ कर दिए थे। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि इंग्लैंड पर हेंगिस्ट एंड होरसा ट्राइब्स ने लैंडिंग करना प्रारंभ किया, देन साउथ सैक्सन एंड फाइनली अगस्ताइन, इन ट्राइब्स ने इंग्लैंड पर लैंडिंग करना प्रारंभ कर दिया। अब आइए देखते हैं इस समय के लिटरेचर को। एंग्लो सैक्सन का जो लिटरेचर था उसको नॉर्थम्ब्रियन लिटरेचर के नाम से भी पुकारा गया है। नॉर्थम्ब्रियन लिटरेचर क्यों कहा गया है, इसके पीछे कितने लोगों की लीडरशिप रही है, आइए समझते हैं। नॉर्थम्ब्रियन लिटरेचर में जो लीडरशिप थी वह सबसे ज़्यादा लीडरशिप मानी जाती है अंडर द लीडरशिप ऑफ अगस्ताइन। सबसे महत्वपूर्ण लीडरशिप किसकी मानी जाती है, अगस्ताइन। अगस्ताइन लोग कौन थे, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि अगस्ताइन यह रोम से लिया गया है, यानी अगस्ताइन दे केम फ्रॉम रोम। ये लोग रोम से आए थे और इंग्लैंड में रहना प्रारंभ कर दिए, और इंग्लैंड के किस किस प्लेस पे ज़्यादातर ये लोग रहा करते थे, तो साउथ सी एंड सेंटर ऑफ द इंग्लैंड। इंग्लैंड का जो मेन मुख्य केंद्र बिंदु था, और साउथ इंग्लैंड के आसपास ये लोग रहने लगे, जिसको एसेक्स कह करके पुकारा गया है, यानी एसेक्स और साउथ सी के आसपास ये लोग रहने लगे। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि अगस्ताइन कहाँ से आए थे, तो ये लोग इंग्लैंड में रोम से आए हुए थे। सेकेंड है अंडर द लीडरशिप ऑफ द सेंटली, द सेंटली आइडन, आइडन के लीडरशिप में यहाँ का लिटरेचर ज़्यादातर फैला। और ये आइडन कौन थे, तो दे केम फ्रॉम आयरलैंड, जैसा कि टोन से ही पता चलता है आइडन आयरलैंड। तो आइडन कहाँ से आए हुए थे, तो आइडन केम फ्रॉम आयरलैंड। जबकि अगस्ताइन लोग कहाँ से आए थे, तो अगस्ताइन लोग कहाँ से आए थे, रोम से आए थे। और इनका जो केंद्र बिंदु था, इनका जो सेंटर माना जाता है, तो इनका कोई केंद्र बिंदु नहीं था, ये लोग मठ बना करके रहा करते थे और वहीं से अपने लिटरेचर को फैलाते थे, अपने टीचिंग को यानी अपने उपदेश को फैलाते थे। तो मॉन्स्टरीज एंड एबीज यानी मठ और चर्च इनके मेन केंद्र बिंदु हुआ करते थे। इन्हीं मोनेस्टरीज और एबीज को जैरो एंड वाइट्सबी के नाम से भी पुकारा गया है। तो जैरो एंड वाइट्सबी क्या है, यह यहाँ का एक प्रकार का कह सकते हैं मठ।